सो गाइस अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे, हवा बहुत तेज वाली चल रही है। क्या नाम है इसका? ये देखिए यहाँ पे पार्क भी है बच्चों के लिए। मुंबई एक्सप्रेस पे ही अपना ये नया बना हुआ है हाईवे पर। वॉशरूम जा रहे हैं अभी फ्रेश होने के लिए। ये देखिए बारिश हो रही है डॉन। चलो थोड़ा फ़ोन भी चार्ज करूँगी, मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई है। सो गाइस अभी मेरी बेटी ने लिए टी एंड पेटीज, चीज़ पेटीज या समोसे और कॉफ़ी, और अभी मिक्स पकौड़े भी मंगाए हैं। तो मैं अभी शो करती हूँ यहाँ पर, ठीक है? कर रहे हो तो मेरी है, तो ये अभी शो करती हूँ आपको हाईवे पे कौन से। तो गाइस ये 100 रुपए की प्लेट थी जिसमें दो आलू की पकौड़ी और ये प्याज की भुजिया, भजिया बोलते हैं इसको। ये 5-6 पकौड़ियाँ 100 रुपए में दी है। कॉफ़ी कितने की आई थी? 50 रुपए की एक कॉफ़ी है। समोसा 30 का एक समोसा। देखिए वैसे कॉफ़ी मुझे मतलब स्ट्रॉन्ग पसंद आती है, कॉफ़ी तो ठीक ठाक है, बाकी पकौड़ियाँ भी ठीक हैं, समोसे ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो अभी हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया है, पकौड़ी खाई थी और कॉफ़ी पी है हम लोगों ने अभी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ सारा वे, आपको दिखाती हूँ। बहुत ब्यूटीफुल वे है यहाँ का गाइस, और बहुत अच्छा लग रहा है एकदम अमेजिंग। ये देखिए स्टॉप एंड स्टॉप एक्सप्रेस वे फोर्ट जंक्शन कमिंग सून कैफे है ये सारा। ये देखिए बाहर का व्यू, सामने देखिए काफ़ी फर्स्ट ही है यहाँ पर, मतलब हमने जो देखा है काफ़ी, मतलब हमको हो गया था 2-2.5 घंटे हो गए यहाँ पर। ये देखिए 3 पार्ट्स में बना हुआ है, ये फर्स्ट उधर है, सेकंड एंड थर्ड, 3 पार्ट्स में हो गया। और लोगों ने देखो जैकेट भी वेयर कर लिया, अभी बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो चुका है। कोल्ड वेदर होने के वजह से हम लोगों ने अभी कॉफ़ी पी थी। गाइस मुझे कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग पसंद है, ब्लैक कॉफ़ी भी पसंद करती हूँ मैं लाइक। आई थिंक ये बाइक से राइड करेंगे तो सुंदर है ये। तो ये देखिए गाइस जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए नाइट व्यू है, इतना प्यारा लग रहा है। मेरी बेटी अभी पार्क में जाने के लिए जिद कर रही है, उसको बहुत पसंद है झूलों में झूलना, पार्क में जाना। वो देखे रो पड़ी, टाइम है नहीं क्योंकि टाइम से पहुंचना है। ये देखिए तो हम लोग अभी बैठ रहे हैं, चलने के लिए रेडी हो गए। देख क्या ना छूट रखा है, देख क्या ना आ जाओ बैठो। चलो बैठो, ओके गाइस मिलते हैं फिर आगे। तो गाइस अभी नाइट हो गई है, थैंक यू।
अभी आगरा की तरफ कट हो गया है और अब हम यहाँ निकल रहे हैं मुंबई एक्सप्रेस एंडिंग चल रहा है। मुंबई एक्सप्रेस को छोड़ते हुए हम लोग जयपुर की तरफ निकल चुके हैं। बड़ोदरा चला गया है। ये देखिए जयपुर के आते ही देखिए कितनी रोशनी हो गई चारों तरफ और आखिर हमारी पिंक सिटी है। लोग टर्न हो चुके हैं। ये देखिए कितने मस्त गोल सर्किल बना हुआ है जिसके लिए हम जयपुर के लिए टर्न कर रहे हैं। ये देखिए पीछे हमने मुंबई एक्सप्रेस को छोड़ दिया है और अब जयपुर के लिए और यहाँ पर भी अपना टोल आ गया है ये जयपुर का। देखते हैं जो भी है चेक पोस्ट लग रहा है। हाय गाइस सारे ट्रक व्रक सब यही खड़े हैं। हम भी नहीं खड़े हम भी नहीं खड़े तो सोचे हम आगे को भाग रहे ट्रक को छोड़ के। अभी यहाँ से हार्डली हमें
20 मिनट लगेगा अपने घर पहुंचने में। 20 मिनट। मिल जाएगा, समझ समझ जाएगा। देखिए गाइस, मैं सुबह के नाश्ते का सामान ले लूं। चला चल। तो गाइस, अभी मैं जयपुर में आई हूं, रॉयल बेकरी वाले और फास्ट फूड सेंटर। सभी चीज़ यहां पे एगलेस मिलते हैं, मतलब एग का यूज़ नहीं होता है। तो आप यहां से जो है केक ले सकते हैं, पेस्ट्री ले सकते हैं, सभी चीज़ें हैं यहाँ पर। छाछ, कोल्ड ड्रिंक, दही, ये भी आप ले सकते हैं। भैया कब से अपनी शॉप ये? कितना टाइम हुआ? दो साल हुआ है, मतलब अभी शॉप ये स्टार्ट हुई है 2 साल पहले। आपका शुभ नाम भैया? कमलेश जी। तो गाइस, यहाँ पर आइएगा, सभी सामान यहाँ पर अवेलेबल है, आपको सब तरीके के सामान यहाँ मिल जाएंगे। और मेन है यहाँ पर एगलेस मिलते हैं, पेस्ट्रीज ज़्यादातर मतलब लोगों को मिलता नहीं है। तो चलिए, तो गाइस हम लोग आ चुके हैं शर्मा डिपार्टमेंट स्टोर। ये देखिए,
हमारी कॉलोनी स्टार्ट हो चुकी है, पानी के टैंकर जा रहे हैं, उम्र तक पानी नहीं है। मोस्टली लोग यहाँ पे पानी के टैंकर ही यूज़ करते हैं। ये हमारी दूध वाली है, यहाँ गाय भैंसों का सारा काम होता है। दूध वाली वो हो गई, हाँ हाँ पैसे ना दे, पैसे पैसे लगेगा जब आगे दे देंगी दूध। आ गया हमारा घर, और ये पड़ोस में भी घर बन रहा है। गाइस ये हमारे देवर हैं, अभी 2 महीने में आई हूँ मैं अपने घर पे, देख लीजिए आप। अच्छा वेलकम। ये देखिए पोस्टर हमारे घर का, एंट्री का, राजस्थानी लुक पूरा। ये हम एंटर हो चुके हैं। देवरानी कहाँ गई मेरी, बाहर को निकल के नहीं आई? देवरानी कहाँ गई थी? अरे देवरानी देखो कमरे में बंद पड़ी है जेठानी के आने पर। मैं छुप रही थी उससे। ये छुपन छुपाई खेलने की कोशिश कर रही थी हमसे। सारा प्लान गड़बड़ कर दिया मेरा। क्यों? मैं छुप रही थी उससे। तो ये देखिए हम लोग आ चुके हैं, अब हम सारा सामान रखेंगे। ऊपर जा रही हूँ मैं, देखो 2 महीने में मेरे पेड़ पौधे सब सूख गए गाइस। ये देखिए ये ऊपर का है, जय श्री श्याम। ये देखिए हम आ गए, मेरा मनी प्लांट अभी बड़ा नहीं है, और ये मेरे श्याम बाबा बैठे हैं यहाँ पर। जय श्री श्याम बाबा। ये देखिए गाइस, चलिए अब मिलते हैं फिर। तो गाइस आज हमारे यहाँ डिनर में बनाया दाल बाटी और ये तिरपुटे, और साथ में बनाई है छाछ। छाछ भी दिखा दो। ये मेरी देवरानी ने बनाई है और बहुत टेस्टी बनाती है दाल बाटी। तो हमारे से पूछ रही थी क्या बनाया, तो हमने बोला दाल बाटी बना लेना, और ये मिक्स दाल बनाई है साथ में बाटी है। जा,
और दाल बाटी के साथ मुझे छाछ बहुत पसंद है, तो साथ में छाछ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज गाइज। और अभी मैं घर पर आ चुकी हूँ और मिलते हैं फिर कल मॉर्निंग में। अपने जयपुर की जो भी जगह है आपको दिखाती रहूँगी। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।